हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम लेंथ एंड हाइट्स का अध्ययन कर रहे थे और इसी श्रेणी में आज हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे। लेंथ एंड हाइट्स में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक नहीं होती क्योंकि इनके आयनों पर सामान्य परिस्थिति में +3 आवेश होता है और लेंथ एंड हाइट +3 आवेश वाले आयन का आकार इतने आवेश वाले संक्रमण तत्वों से अधिक बड़ा होता है। लेंथ एंड हाइट 3+ की आयनिक त्रिज्या का मान 0.85 से 1.03 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि संक्रमण तत्वों के त्रिधनायन की आयनिक त्रिज्या का मान इससे कम होता है। चूंकि कम आवेश व अधिक आकार के कारण लेंथ एंड हाइट्स के संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः इनके जितने भी स्थायी संकुल ज्ञात हैं वे सब ऐसे हैं जिनमें लिगेंड एक कठोर क्षार हो। कठोर क्षार हम ऐसे क्षार को कहते हैं जिसमें अणु का इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु अधिक ऋण विद्युती व कम ध्रुवित होने वाले हों। जब किसी अणु अथवा आयन में ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन अथवा नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में हों तो ऐसे क्षार को कठोर क्षार कहते हैं, अर्थात कठोर क्षार या प्रबल लिगेंड के साथ ही लेंथ एंड हाइट स्थायी संकुल बनाते हैं। किसी एक विशेष लिगेंड के लिए स्थायी के लिए लेंथ एंड हाइट्स आयन के आवेश बढ़ने के साथ उसके संकुल बनाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अतः लेंथ एंड हाइट्स की तीनों संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 से +4 में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। निम्न प्रकार की होगी लेंथ एंड हाइट्स +2 लेंथ एंड हाइट +3 और लेंथ एंड हाइट +4। चूँकि दूसरी बात ये, यदि लिगेंड समान हो अथवा आयन पर आवेश समान हो तो उच्च परमाणु संख्या वाले लेंथ एंड आयन के संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः लेंथ एंड हाइट 3+ आयनों के लिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति लेंथ एंड हाइट 3+ से ल्यूटेशियम 3+ तक बढ़ती जाएगी। इसका कारण यह है कि लेंथेनम 3+ से ल्यूटेशियम 3+ तक आयनिक त्रिज्या में कमी आती जाती है और हम जानते हैं कि संकुल बनाने के लिए धनायन पर अधिक आवेश होना चाहिए और उसका आकार छोटा होना चाहिए। फ्लोराइड संकुल को छोटे धनायनों के साथ जलीय विलयन में बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन लिगेंड्स के साथ बने हुए संकुलों में अधिकांशतः जल अथवा विलायक के अणु केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। इनमें सामान्य रूप से पाई जाने वाली उपसहसंयोजन संख्या कोटेशन नंबर 7, 8 व 9 है। इनके अतिरिक्त 6 व 10 उपसहसंयोजन संख्या वाले संकुल भी ज्ञात हैं। नाइट्रेट लिगेंड बाइडेंटल लिगेंड के रूप में कार्य करता है जिसके दोनों ऑक्सीजन परमाणु धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। सीरियम 4+ जैसे उच्च धनावेशित व छोटे आकार वाले धातु आयन के साथ सीरियम हेक्सानाइट्रेट प्रकार के संकुल निर्जल विलायक में बनाए जा सकते हैं। नाइट्रोजन लिगेंड्स में इथाइल डायमीन व आइसोसाइनेट के अतिरिक्त कोई अन्य लिगेंड ज्ञात नहीं है जो लेंथ एंड हाइट के साथ संकुल बनाते हों। ये संकुल भी जल द्वारा जल अपघटित हो जाते हैं। ऑक्सीजन लिगेंड्स की अपेक्षा ऑक्सीजन चीलेट अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। कीलेट हम ऐसे अणुओं को कहते हैं जिसके दो या अधिक दाता परमाणुओं के साथ धातु आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहे हों और इस प्रकार से चक्रीय संकुल बन रहे हों। ये चक्रीय संरचनाएं स्थायी होती हैं, अतः ऑक्सीजन कीलेट के साथ स्थायी संकुल बनते हैं, जबकि ऑक्सीजन लिगेंड के साथ बने हुए लेंथ एंड हाइट्स के संकुल कम स्थायी होते हैं व जल द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। फ्लोराइड्स के साथ विशेष रूप से छोटे आकार वाले धनायन लेंथ एंड हाइट्स F2+ प्रकार के संकुल बनाते हैं, लेकिन इस प्रकार के संकुल क्लोराइड आयनों के साथ नहीं बनते। लेंथ एंड हाइट्स पाई लिगेंड्स के साथ कोई संकुल नहीं बनाते। संभवतः इसका कारण यह है कि लेंथ एंड हाइट्स के पास पाई बंध के लिए F कक्षक उपलब्ध नहीं होते, यद्यपि इस प्रकार की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि लेंथ एंड हाइट्स आयन यदि अपने समस्त SP व D कक्षकों का उपयोग करें तो भी उसकी उपसहसंयोजन संख्या 9 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि लेंथ एंड हाइट के जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि 10 से 12 उपसहसंयोजन संख्या वाले संकुल भी ज्ञात हैं।
इस प्रकार के संकुलों के बनने से के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि संकुल बनने में एफ कक्षकों का उपयोग हो रहा है, और दूसरा यह है कि उन बंधों का बंध क्रम एक से कम हो। इस प्रकार से हमने देखा कि लेंथेनाइड्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भी गुण पाया जाता है। इसके बाद आता है लेंथेनाइड्स का आइसोलेशन, कि लेंथेनाइड्स को सेपरेट किया जा कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।